ভারত রাজনীতিতে একটা দিনত বজরং দলক লৈ হঠাৎ চর্চা হওয়া আরম্ভ হয়েছে কেন কর্ণাটকত কংগ্রেসে বজরং দলের নিষিদ্ধতার কথা কোয়া হয়েছিল আর এইবার ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারেও বজরং দলক প্রয়োজনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করব পারে আজি ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর তরফের ভূপেশ বাঘেলের তরফের কোয়া হয়েছে যে বজরং বলির নাম লৈ গুন্ডাগিরি করাটো বজরং দলের সঠিক হওয়া নাই বজরং দলে গুন্ডাগিরি করার নিষিদ্ধ করার চিন্তা করা হয়েছে ছত্তিশগড়ত বজরং দলে বিভিন্ন ধরনের গুন্ডাগিরি করেছে আর বজরং দলের সদস্য হলে আইন হাতত তুলি লব নয় বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলি মন্তব্য করেছে। উল্লেখযোগ্য যে কর্ণাটকের নির্বাচনী ইস্তাহারত কোয়া হয়েছে যদিহে কংগ্রেস শাসনলৈ আহে বজরং দলক নিষিদ্ধ করা হব, যাক লৈ বজরং দলের সদস্যই প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলে কৈছে প্রয়োজনত ছত্তিশগড়তো বজরং দলক নিষিদ্ধ করা হব। আমার লগত ভূপেশ বাঘেলের মন্তব্য আছে, মন্তব্য এইট এট এইটর দর্শকক এই মুহূর্তত দেখবাই লৈছো। बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली क्यों नहीं? बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए, बजरंग दल को बैन लगाने की बात क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हो। यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे? तो इस बात पुलिस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग 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 देखो वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना? जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है।